पालेपोइंट खाते आवेल राधाकृष्ण मंदिर की स्थापना ने आज 30 वर्ष पूर्ण थया छे, जेने अनुलक्षी मंदिर द्वारा विविध कार्यक्रमों राखवामां आव्या हता। 30 वर्ष पूर्वे शुरू थयेला राधाकृष्ण मंदिर में लोकोनो अनेरो विश्वास छे। अहीं लोको प्रतिदिन दर्शनों लाभ लेवा आवे छे। जो कि हाल कोरोना वायरस की सरकारी गाइडलाइन्स मुजब संचालन करवामां आव्युं हतुं। आजे खूब ज धामधूमथी आ अवसर ने माण्यो हतो अने आ बाबते राधाकृष्ण मंदिर ना ट्रस्टी अने संचालक रमण भाई अरोरा साथे वात करी एबी न्यूज चैनल द्वारा वधु विगत जाणवाना प्रयासो कर्या था। जय श्री कृष्ण, मैं रमण अरोरा राधाकृष्ण मंदिर की तरफ से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारा स्थापना दिवस का दिन है। मंदिर को 30 साल पूरे हो गए हैं और 31वें साल में प्रवेश हुआ है। हर साल ये कार्यक्रम हम बहुत ही धूमधाम से करते हैं। हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। सब एरिया से रांधे रोड, अडाजान, बराछा, सब तरह से ये लोग आते हैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बार कोरोना और कोविड महामारी की वजह से हमने ये प्रोग्राम बहुत ही सीमित रूप में रखा हुआ है, जैसे कि भजन का प्रोग्राम और उसके बाद में आरती का। तो सब भगत जन इसका लाभ ले रहे हैं और हम लोग इसके साथ साथ ये जो कोरोना की वजह से जो डिस्टेंस का पालन करना होता है, कोविड मास्क का पालन करना होता है, उसका पालन करते हुए ये प्रोग्राम मना रहे हैं। हमारे मंदिर में और भी त्यौहार जो है टाइम टू टाइम मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, उसके अलावा शिवरात्रि, नवरात्रि का समारोह, इसमें भी सब दूर दूर से भगत जन शामिल होते हैं। मैं ये इच्छा करता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो महामारी है बहुत जल्दी दिसंबर ख़त्म होने वाला है, 2021 से पहले पहले ख़त्म हो जाए, ताकि अगले साल हम ये कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मना सकें। मैं रमन अरोड़ा फ्रॉम श्री राधा कृष्णा मंदिर ट्रस्ट, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण मंदिर का भूतपूर्व प्रेसिडेंट कैलाश छाबड़ा और मैं रेगुलर इधर आने वाला ट्रस्टी हूँ और 1990 जब से मंदिर बना तब से मैं यहाँ पर ट्रस्टी हूँ, सेवा दे रहा हूँ। और इस टाइम पर हमारे कोरोना की वजह से रश बहुत कम है, कम इसलिए भी बहुत प्रचार भी नहीं हमने किया है, ताकि हम जो है कम लोग जितने कम आ सकें उतना ठीक है, ताकि डिस्टेंस हम कवर कर सकें। दूसरा ये है कि हमने सिर्फ भजन रखे हैं, आरती है, उसके बाद प्रसाद भोग प्रसाद है, ये इतना ही रखा है हमने। इसलिए आप सभी को हमने सेवा दी है, तो ये सेवा आप कर रहे हैं, मंदिर का प्रचार प्रसार हमारे लिए कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार होगा इसके लिए। इस चैनल का धन्यवाद। श्री राधे राधे।